हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। अब क्योंकि आप सारे ऑर्गेनेल्स आप पढ़ चुके हैं, एनवेलप आप पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस आप पढ़ चुके हैं, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको बहुत आसान हो जाएगा अब करना, बिकॉज अब सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में एक बैक्टीरियल सेल का हमने डायग्राम सामने बनाया है, तो पहले उसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को शो करता है, तो ये जो इसका डीएनए है वो डीएनए किसके अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। तो डीएनए नेक्ड ही पड़ा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, तो इसके जो नेक्ड न्यूक्लियस है या नेक्ड डीएनए उसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। तो पहली चीज़ न्यूक्लियस को लेके कि प्रोकैरियोटिक की न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और वहाँ पे जो डीएनए है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नेक्ड ही पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट। फिर हम लोग बाहर से अगर हम लोग देखें तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, राइट। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसको हम लोग म्यूरिन भी कहते हैं, राइट। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनी होती है इसकी। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल जैसी यूकैरियोटिक की होती है वैसी प्रोकैरियोट्स की होती है। और अगर हम लोग बात करें कि क्या सभी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होती है, तो ऐसा नहीं है। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे भी होती हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। उसका एक एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हमने देखा था जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वो माइकोप्लाज्मा के अंडर ही आते हैं। तो वो ऐसे प्रोकैरियोटिक हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं आगे अगर हम लोग देखें तो ये जो इसकी अंदर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्डेड रहती है। ये जो स्ट्रक्चर बनाती है इसको हम लोग मिजोसोम कहते हैं, और मिजोसोम का जो फंक्शन होता है वो सेम फंक्शन होता है जैसा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प करना। और स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसमें देखें तो ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टाइप का जो डीएनए है दैट इज़ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जैसा डीएनए हमारा होता है वैसा ही एक एक्स्ट्रा डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और ये इसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट देता है। मतलब आप जो एंटीबायोटिक बनाते हो बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो धीरे धीरे जिन बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड पाया जाता है वो प्लाज्मिड इनको धीरे धीरे उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, राइट। तो प्लाज्मिड क्या हुआ, प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए विच प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू द बैक्टीरिया। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनेली नहीं मिलेगा जिसकी मेम्ब्रेन हो, दैट मीन्स ना तो कोई डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस होगा ना कोई सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस होगा, तो केवल विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस इसके अंदर मिलेंगे। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस में आपको सामने दिखाई दे रहा है दीज आर राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स जो हैं बैक्टीरिया के अंदर इकट्ठे अरेंज होते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको पोली राइबोसोम्स बुलाते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे फिम्ब्री एक स्ट्रक्चर है, तो फिम्ब्री जैसे ये सीलिया आपको नज़र आ रहे हैं, तो सीलिया के बीच में इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जैसे जो हमने ग्रीन से नोट किया है। तो फिम्ब्री का काम क्या होता है, फिम्ब्री का काम होता है बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे अटैच करने में मदद करती है। पिलाई अगर हम लोग देखें तो पिलाई का काम होता है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो दो बैक्टीरिया आपस में पिलाई से अटैच होते हैं, और वो एक का जो जेनेटिक मेटल डीएनए है वो दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इनको सेक्स पिलाई भी बुलाते हैं बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो ये हुआ हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। उसके अलावा देखिए इसमें सीलिया हैं, फ्लैजिला हैं, तो सीलिया और फ्लैजिला जो हैं वो दोनों यूनिट क्या करती हैं, इसकी मूवमेंट सीलिया बीट करते हैं, जैसे नाव चलाने के लिए आपको चप्पू चलाना पड़ता है ऐसी बैक्टीरिया जो पानी में मूव करता है वो सीलिया की मदद से करता है। फ्लैजिला सीलिया जैसी बड़ी स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजिला की हेल्प से ये मूवमेंट भी करते हैं और फूड को कैप्चर करने का भी काम करते हैं। तो ये इसके जो सीलिया और फ्लैजिला हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इनको हम लोग कहते हैं बेसल बॉडीज़। और बेसल बॉडीज़ को क्या चीज़ बनाती है, सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर इसको बनाती है बेसल बॉडी को। तो ये है आपका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जानते हैं और यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल सेल का, दोनों का स्ट्रक्चर जानते हैं।
तो अब बड़ा इजी होगा आपके लिए डिफरेंशिएट करना। तो देख लेते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम लोग किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है। तो पहली चीज़ जो है साइज को लेके है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बड़े छोटे साइज़ की होती हैं, तो 0.1 से 0.5 माइक्रोन तक प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का अगर आप साइज़ देखें तो इसके कंपैरिजन में बड़ा रहता है, 10 to 100 माइक्रोन तक यूकैरियोटिक सेल का साइज़ जा सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली यूनिसेलुलर ही होती हैं, एक्सेप्शन एक आध को छोड़ के, और यूकैरियोटिक सेल जबकि मोस्टली जो हैं मल्टीसेलुलर होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑलवेज यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक ऑलवेज मल्टीसेलुलर। यहाँ पे न्यूक्लियस जो कोई ट्रियो न्यूक्लियस नहीं होती, तो नेक्ड डीएनए होता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और यहाँ पे ट्रियो न्यूक्लियस होती है। तो ये डिफरेंशिएशन जो इनके नाम में भी छुपा हुआ है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मेजर डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो आप बोलोगे मेजर डिफरेंस जो है न्यूक्लियस को लेके है, और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। प्रो मीन्स पुराने टाइप की, और यू मीन्स न्यू या लेटेस्ट न्यूक्लियस जिसके अंदर हो, तो इसके नाम पे इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बुलाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सेल वॉल को लेके। तो सेल वॉल अगर हम लोग देखें तो सेल वॉल यहाँ पे म्यूरिन की बनी होती है, जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल पाई जाती है किस में पाई जाती है, जैसे प्लांट में पाई जाती है या फिर फंगस में पाई जाती है। तो प्लांट और फंगस जो है दोनों यूकैरियोटिक हैं, तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज प्लस कुछ और मटेरियल की बनी होती है, जैसे आपने पैकेटिन पढ़ा था, सुबरिन पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें मिलके प्लांट की सेल वॉल बनाती हैं, जबकि फंगस की सेल वॉल जो है चिटिन की बनी होती है। तो ये डिफरेंस हो गया कि सेल वॉल के मटेरियल को लेके। तीसरी चीज़ यहाँ पे मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है, जिसको मिजोसोम हमने बोला था, उसका काम है रेस्पिरेशन करने का, और जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन करने का, राइट। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो देखिए बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक में ही मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेंगे। राइबोसोम्स का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हम लोग 70S का डिफरेंस नहीं कह सकते, बिकॉज 70S दोनों में मिलते हैं, तो हम लोग यूँ कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम्स मिलते हैं और यूकैरियोटिक में 80S मिलते हैं, या आप यूँ कह सकते हो इसमें 70S इसमें 78 ही दोनों मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी डिफरेंस जो आए। अब हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जांपल क्या रहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, राइट। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का एक दूसरा नाम होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और यूकैरियोटिक के अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये भले ही यूनिसेलुलर हैं बट यूकैरियोट्स हैं, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फंगस, जितने भी फंगस हैं जैसे मशरूम, पेनिसिलिन, ये सारी क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जितनी भी एल्गीज हैं, तो एनाबिना, नोस्टोक, ये सारी एल्गी हैं, तो ये एल्गी भी सारी की सारी यूकैरियोटिक में आती हैं। फिर प्लांट की बात करें, प्लांट भी यूकैरियोटिक हैं और एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक में आती हैं। तो इस हिसाब से ये हमारे डिफरेंसेस हुए जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को लेके हमने क्लियर किए। तो यहाँ हमारा फर्स्ट लेसन जो है कंप्लीट होता है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे, और आई होप यू ऑल आर हैप्पी, और आप घर पे ही रह रहे हैं और गवर्नमेंट का और अपने माँ बाप का कहना भी मान रहे हैं। सो स्टडी हार्ड एंड स्टे एट होम।